हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट है एप्लीकेशन में तो आप उसमें कवर ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं क्लाइंट मार्केट में धन एप्लीकेशन में कवर ऑर्डर लगाकर दिखाऊंगा, प्लस लगे हुए कवर ऑर्डर को मैं आपको मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा। उसके बाद लगा हुआ कवर ऑर्डर कैंसिल होता है नहीं, और अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल कैसे होता है। उसके बाद कवर ऑर्डर में बाइक के हुए स्टॉक्स को मैं आपको सेल करके दिखाने वाला हूँ। इसका मतलब आज की इस एक ही वीडियो में मैं आपको कवर ऑर्डर को स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ, वो भी लाइव मार्केट में। तो आप इस वीडियो में तक बने रहेगा। और सबसे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहां पर हमने मोबाइल में धन एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है। अब इस होम इंटरफेस में आपको नीचे की ओर 5 ऑप्शंस मिलता है। तो यहां पर हम सबसे पहला वाला ऑप्शन होम इंटरफेस में भी है। अब मैं आपके यहाँ पास सेकंड वाला ऑप्शन वॉच सिस्टम में लेकर चलता हूँ। वॉच सिस्टम में आने के बाद यहाँ पास मैंने कुछ वॉच लिस्ट पहले से ऐड करके रखे हुए हैं, जो यहाँ पास आप देख सकते हैं। अब यहाँ पास आपको जिस भी स्टॉक्स को कवर ऑर्डर में बाई करना है, उस स्टॉक्स में सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पास बाय वाले बटन में क्लिक कर लेना है। बाय वाले बटन में क्लिक करने के बाद अब मैं आपको बता दूं, आपको इन्वेस्टिंग में कवर ऑर्डर का ऑप्शंस नहीं मिलता। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है डिलीवरी में आपको कवर ऑर्डर का ऑप्शंस नहीं मिलेगा। आपको कवर ऑर्डर का ऑप्शंस मिलता है इंट्राडे में। यहाँ पास अगर मैं ट्रेडिंग में क्लिक करूंगा तो यहाँ पास ट्रेडिंग का मतलब होता है हमारा इंट्राडे। तो इंट्राडे में यहाँ पास नीचे की ओर कवर ऑर्डर का ऑप्शंस आ चुका है, वही इन्वेस्टिंग में हमें यहाँ पास नीचे में कवर ऑर्डर का ऑप्शंस नहीं आता है। इसका मतलब है आप इंट्राडे में कवर ऑर्डर का यूज कर सकते हैं। कवर ऑर्डर का मतलब होता है इमीडिएट बाय करते ही अपने आप स्टॉप लॉस का लग जाना। आपको अलग से स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर आप कवर ऑर्डर के साथ बाय करते हैं तो अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको कवर ऑर्डर के साथ ही बाय करना चाहिए, ताकि आपको बाय करते ही इमीडिएट स्टॉप लॉस लग जाए और आपका ज्यादा नुकसान होने से आपका ट्रेडिंग बच जाए। तो दोस्तों, यहां पर मैं कवर ऑर्डर लगाकर दिखाता हूं। अब मैंने यहां पर कवर ऑर्डर को बता दिया है कि आपको कवर ऑर्डर इंट्राडे में लगता है। तो यहां पर हमने ट्रेडिंग सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहां पर आपको क्वांटिटी फाइंड कर लेना है कि आप कितना क्वांटिटी बाय करने वाले हैं। तो यहाँ पास मैंने एक ही क्वांटिटी सेलेक्ट करके रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पास ना कोई फंडामेंटल एनालिसिस किया है, ना ही कोई टेक्निकल एनालिसिस किया है, तो मैंने यहाँ पास एक क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पास हमें ऑर्डर डिटेल्स में कवर ऑर्डर में क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पास मैं आपको बता दूं, आपका कवर ऑर्डर आपका लिमिट ऑर्डर के साथ ही लगेगा। अगर आप सोचेंगे कि आप मार्केट ऑर्डर के साथ कवर ऑर्डर लगाएंगे तो ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। आपको कवर ऑर्डर लगाना है तो आपको लिमिट प्राइस के साथ ही कवर ऑर्डर लगाना पड़ेगा। अब अगर आपको इमीडिएट बाय करना है तो आपको जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसको आपको लिमिट प्राइस में लिख देना है। लिमिट प्राइस में लिखने के बाद आपको अपना स्टॉप लॉस डिफाइन कर लेना है। अब जैसे कि अभी इसका मार्केट प्राइस चल रहा है 109.53 रुपए। अब मैं चाहता हूं कि जब भी गिरकर 106 रुपए तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो यहां पास मैं ट्रिगर प्राइस में 106 रुपए लिख लूंगा। अभी इसमें 106.80 रुपए लिखा हुआ है, मैं यहां पास 80 पैसे को काट दूंगा। तो मैं यहां पास 80 पैसे को कट कर देता हूं। मैंने यहां पास 106 रुपए लिख लिया है ट्रिगर प्राइस को। तो दोस्तों, यहां पास आप देख रहे हैं हमारा लिमिट प्राइस मार्केट प्राइस के करीब लिख लिया है। मैंने लिमिट प्राइस को लिख लिया 109.54 रुपए, और यहाँ पास मैंने ट्रिगर प्राइस को लिख लिया 106 रुपए। एकदम ही सिंपल है कवर ऑर्डर लगाना। सिंपली आपको लिमिट प्राइस लिखना है अपना मार्केट प्राइस के करीब, या फिर आप जो भी लिमिट प्राइस में बाय करना चाहते हो लिमिट प्राइस को लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको अपने ट्रिगर प्राइस में अपना स्टॉप लॉस लिख लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पास इंस्टेंट बाय में क्लिक करूंगा तो यहाँ पास हमारा बाय होने के साथ ही स्टॉप लॉस तुरंत लग जाएगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पास स्टॉप लॉस लग चुका है। इसका मतलब हमारा कवर ऑर्डर में पोजीशन बन चुका होगा। यहाँ पास अगर मैं सक्सेस में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा पंजाब नेशनल बैंक का कवर ऑर्डर में एक क्वांटिटी बाय हो चुका है, सक्सेस करके लिखा हुआ है। इसका मतलब 109.54 रुपए में हमारा कवर ऑर्डर में पंजाब नेशनल बैंक का बाय हो चुका है, और बाय होते ही यहाँ पास हमारा पेंडिंग ऑर्डर मतलब कि स्टॉप लॉस इमीडिएट लग चुका है। तो दोस्तों, एकदम ही सिंपल है कवर ऑर्डर में बाय करना, और कवर ऑर्डर में बाय करते ही स्टॉप लॉस का लग जाना एकदम ही नॉर्मल प्रोसेस है। अब मैं यहाँ पास आपको फिर से पोजीशन में लेकर चलता हूँ। पोजीशन में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा पंजाब नेशनल बैंक का कवर ऑर्डर में पोजीशन बन चुका है। तो दोस्तों, एकदम ही सिंपल है कवर ऑर्डर में पोजीशन बनाना। अब मैंने आपको बोला था कि मैं कवर ऑर्डर को मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा। कवर ऑर्डर को मॉडिफाइड करने का मतलब जो भी आपका पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है, मतलब कि जो भी आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है, उसको मॉडिफाइड करना कैसे। आप सिंपली आपको ऑर्डर में आकर पेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है। अब आपको इसी पेंडिंग ऑर्डर में एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको मॉडिफाई बटन में क्लिक कर देना है। मॉडिफाई बटन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस को मॉडिफाइड कर लेना है। तो मैं यहाँ पास अपना जो स्टॉप लॉस लगाया था 106 रुपये, उसको मैं यहाँ पास मॉडिफाइड कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी गिरकर 107 रुपये तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो मैं यहाँ पास इसको 107 रुपये लिख लूंगा।
107 रुपए लिखने के बाद फिर से मैं यहाँ पास इंस्टेंट सेल में क्लिक कर दूंगा। इंस्टेंट सेल में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा स्टॉप लॉस लग चुका है 105 रुपए 93 पैसे में। तो दोस्तों यहाँ पास मैंने स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड किया 107 रुपए के लिए, तो यहाँ पास हमारा स्टॉप लॉस 105 रुपए 93 रुपए में लग चुका है। तो दोस्तों अभी लेगिंग पेन क्यों आ रहा है ये तो मेरे को नहीं पता, मैं 107 रुपए के लिए लगाया था लेकिन यहाँ पास हमारा शो कर रहा है 105 रुपए 93 पैसा। तो दोस्तों पहले भी मैंने 106 रुपए के लिए लगाया हुआ था तो 104 रुपए में 93 पैसे में डिफाइन कर रहा था, तो अभी लैगिंग पॉइंट क्यों आ रहे हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन आपको स्टॉप लॉस लगाना और मॉडिफाइड करना इसी तरह से ही है। तो यहाँ पास अगर मैं आपको फिर से क्लिक करके दिखाऊंगा और मॉडिफाई में ले जाऊंगा तो यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस 107 रुपए लिखा हुआ है। इसका मतलब मैंने 107 रुपए में अपना ट्रिगर प्राइस को लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पास बाहर में हमारा 105 रुपए 93 पैसा शो कर रहा है। वह भी लैगिंग पॉइंट क्यों शो कर रहा है ये भी मेरे को कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आपको लगाने का प्रोसेस यही है, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, आप प्रोसेस में ध्यान दीजिएगा। इसका लैगिंग पॉइंट का मैं यहाँ पास कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं यहाँ पास जो प्रोसेस बता रहा हूँ उसको आप इस प्रोसेस को कवर ऑर्डर लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको कवर ऑर्डर लगाकर दिखाया प्लस कवर ऑर्डर को मॉडिफाइड करके दिखा दिया। अब मैंने आपको बोला था कि कवर ऑर्डर कैंसिल होता है नहीं, और कैंसिल होता है तो करना कैसे। अब दोस्तों कुछ कुछ ब्रोकर फर्म में ऐसा होता है कि अगर आप कवर ऑर्डर में खरीदे हुए पोर्टफोलियो को, मतलब अगर आप कवर ऑर्डर में खरीदे हुए पोजीशन को सेल करना चाहते हैं तो आपका पोजीशन को उसे सेल नहीं करता है, लेकिन अगर आप कवर ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं तो आपका पोजीशन भी स्क्वायर अप हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप कवर ऑर्डर या फिर ब्रैकेट ऑर्डर में स्टॉक्स बाय करते हैं तो अब एक बार ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पास अपना पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल करेंगे तो हो सकता है कि आपका पोजीशन 100% स्क्वायर अप हो जाए। तो यहाँ पास आप गड़बड़ी मत कीजिएगा, कवर ऑर्डर को कैंसिल करने का जोखिम मत उठाएगा। अब हम यहाँ पास सबसे पहले हम यहाँ पास पोजीशन में चले जाते हैं। पोजीशन में आने के बाद यहाँ पास हम देख लेते हैं कि हमारा कवर ऑर्डर जो बाय किए हैं वो यहाँ पास सेल करने का ऑप्शन आता है नहीं। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं मैं कवर ऑर्डर में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पास हमारे सामने सेल करने का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। अगर मैं नीचे भी स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पास हमारे सामने सेल करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो अगर आपको कवर ऑर्डर को सेल करना है तो आपको अपना पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल करना पड़ेगा। अब आपको मैं एक चीज और बता दूं, कुछ लोग कवर ऑर्डर को सेल भी नहीं कर पाते हैं कि सर कवर ऑर्डर तो बाय कर लिए लेकिन सेल करना कैसे। तो आपको सेल करने के लिए सिंपली आपका पेंडिंग ऑर्डर को जाकर कैंसिल कर देना है तो आपका कवर ऑर्डर का पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगा। तो मैंने यहां पास आपको क्लियर कर दिया, अगर आपको कवर ऑर्डर में जो भी स्टॉप लॉस लगा हुआ है उसको अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपका पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगा। आपका पोजीशन को स्क्वायर अप करना भी है तब भी आपको कवर ऑर्डर में जो स्टॉप लॉस लगा हुआ है उसको जाकर कैंसिल करना है। तो यहां पास हमें पेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है। अब यहां पास हमारा कवर ऑर्डर वाला पेंडिंग ऑर्डर में एक बार क्लिक कर लेना है, उसके बाद हमें यहां पास एग्जिट बटन में क्लिक कर देना है और राइट टिक में क्लिक कर देना है। तो यहां पास हमारा स्टॉप लॉस कैंसिल होने के साथ-साथ हमारा पोजीशन भी स्क्वायर अप हो जाएगा। अब मैं यहां पास आपको पोजीशन में लेकर चलता हूं। पोजीशन में आने के बाद यहां पास आप देख सकते हैं हमारा कवर ऑर्डर का पोजीशन क्लोज्ड पोजीशन में आ चुका है। इसका मतलब हमारा पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल करती कवर ऑर्डर स्क्वायर अप हो चुका है। अब मैं यहाँ पास फिर से आपको ऑर्डर में लेकर चलता हूँ। ऑर्डर में आने के बाद यहाँ पास आप देख रहे हैं पहले मैंने पोजीशन बनाया कवर ऑर्डर में, वो अब यहाँ पास सेल हो चुका है। तो दोस्तों एकदम ही सिंपल है, कवर ऑर्डर में बाई करना, उसको मॉडिफाइड करना प्लस उसको सेल करना। सेल करने के लिए आपको पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल कर देना है तो आपका कवर ऑर्डर का पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगा एकदम ही आसानी से। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो में फुल लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।